दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को अनुमति मिल गई है। शुक्रवार को सीबीआई ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट को इस बात की सूचना दी। राव एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगा। सीबीआई ने यह जानकारी विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष रखी है, जिन्होंने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय की है। इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को समाप्त होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआई को मामले में किश और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया था। बता दें कि इससे पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला। उनकी जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई। सीबीआई ने अदालत से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का और समय मांगा। केजरीवाल की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। इसके साथ ही केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा है कि सीबीआई ने अभी केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह गुरुवार रात 8 बजे उन्हें दे दिया गया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा है कि वे एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की। शीर्ष अदालत ने मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से 14 अगस्त को इनकार कर दिया और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 12 अगस्त को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अभी अनुमति नहीं मिल सकी है। उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने 22 जुलाई को के कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कविता को सीबीआई ने इस मामले में 11 अप्रैल को भी गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 7 जून को के कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने ईडी की ओर से के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था। 17 मई को ईडी ने 7वीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में अब तक 18 लोग गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार होने वाले लोगों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।